हेलो गाइस, फाइनली टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन हो चुका है। टिकटॉक बैन होने के बाद जो टिकटॉक स्टार था बड़े बड़े, उनका किस प्रकार रिएक्शन था। तो फर्स्ट ऑफ ब्यूटी खान के बारे में बात करेंगे, सेकेंड निशा गुरगेन के बारे में बात करेंगे, जो कि फिलहाल का एक MMS वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे थे और उसी बीच काफ़ी चर्चे में आ गई थी। इसके बाद टिकटॉक स्टार रियाज के बारे में बात करेंगे, जिसका 42 मिलियन फैंस फॉलोवर है और इंडिया के नंबर वन टिकटॉक स्टार है। रियाज का टिकटॉक बैन होने के बाद उसका क्या रिएक्शन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र। यूट्यूब चैनल चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक स्टार ब्यूटी खान का क्या रिएक्शन है, तो उनका वीडियो मैं दिखा देता हूँ, जिनका टिकटॉक पे 22 मिलियंस के आसपास फैंस फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पे 800K के आसपास फॉलोवर्स है। टिकटॉक बैन होने के बाद रिएक्शन देख सकते हैं। टिकटॉक बैन हो गया तो कितना बुरा लग रहा है यार, मुझसे पूछ रहे हो कितना बुरा लग रहा है, छोड़ो हटाओ। टिकटॉक जल्दी से आ जाओ, नहीं आएगा क्या टिकटॉक कभी? टिकटॉक गया जी, टिकटॉक गया, शायद आ भी जाए क्योंकि इससे पहले भी गया था ना, आ जाना चाहिए ना, एक वही तो ऐप है जो अच्छा सा ऐप है। टिकटॉक से बढ़िया ऐप नहीं है, सच्ची में टिकटॉक से बढ़िया कोई ऐप नहीं है। टिकटॉक इज अ टिकटॉक, टिकटॉक की जगह कोई नहीं ले सकता बाबा, कोई नहीं। तो जैसा कि आपने ब्यूटी खान का रिएक्शन देख लिए, जैसा कि आप देख लिए इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक स्टार ब्यूटी खान का किस प्रकार का रिएक्शन था। कहीं ना कहीं जो टिकटॉक बैन जो इंडिया में हुआ है, जो बड़े बड़े टिकटॉक यूजर है, यानी कि कैरियर खत्म होने पे आ चुका है। कुछ टिकटॉक यूजर है जो टिकटॉक पे ही निर्भर था, वहीं से पैसे अर्न कर रहे थे। इसके बाद निशा गुरगेन का रिएक्शन दिखा देता हूँ, जिनका टिकटॉक पे 27 मिलियंस फैंस फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियंस, जिसका एक MMS वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले ही, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। तो इनका भी रिएक्शन देख सकते हैं। टिकटॉक बंद हो सकता है 25 को, तो क्या हो गया? इंस्टा पे आना, बात करेंगे वहाँ पे, सब लोग इंस्टा पे आ जाना, मैं लाइव आऊँगी वहाँ पे, हम लोग मस्ती करेंगे वहाँ पे। तो कॉल का भी आई थिंक है ना, आई थिंक नहीं है, मैं इतना यूज़ नहीं करती ना, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ। निशा गुरगेन के रिएक्शन कुछ इस तरह से था। तो कहीं ना कहीं जितने भी टिकटॉक यूजर है अब सोच रहे हैं, यदि टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया तो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे या फिर इंस्टाग्राम पे, तब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद थर्ड नंबर मिस्टर रियाज, जो टिकटॉक पे 42 मिलियन के आसपास फैंस फॉलोवर थे, जो इंडिया के नंबर वन टिकटॉक स्टार है। तो उनका अभी तक टिकटॉक बैन होने के बाद किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया है, और ना ही मिस्टर फैजू का। इन लोगों ने अभी तक रिएक्शन इसलिए नहीं दिया है, जैसे ही कुछ रिएक्शन देंगे तो उन लोगों को ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है मिस्टर रियाज या फिर मिस्टर फैजू जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है, जो यही कारण है। तो अभी तक टिकटॉक बैन होने के बाद उन दोनों का किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं। टिकटॉक बैन हो जाएगा तो क्या होगा, जिनके पास टैलेंट है कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, कहीं ना कहीं अपना टैलेंट शो कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।